हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो, आज काम तो है नहीं कुछ करने के लिए, बार बहुत बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा पार्सल्स की अनबॉक्सिंग ही कर ली और वीडियो के वॉइस ओवर पर मत जाना, क्योंकि मैंने ना पहले रिकॉर्ड किया था और उसमें नॉइस आ गया था, तो फिर मैंने वॉइस ओवर दोबारा से किया। ये पिलग्रिम के पार्सल है, मैंने ये मंगाए थे लास्ट वीक में और ये मेरी बहन ने पहले खोल दिया, उसको सब्र नहीं था, तो मैं आपको जो नहीं खुला वो खोल के दिखा देती हूँ। और इसमें मैंने मॉइस्चराइजर, सीरम एंड फेस वॉश वगैरह मंगाए हैं और ये इनकी वेबसाइट पर ना बाय वन गेट वन चल रहा है, अगर मैंने लिंक नीचे डाल दिया, आप मंगाओगे तो आपको मिल सकते हैं। बाय द वे, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने इनकी काफ़ी एड्स वगैरह देखी हैं, तो मैं सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ क्या बुलाएं ये, तो मैंने भी मंगा लिया शौक शौक में और बाय वन गेट वन मिल रहा था, तो फिर तो क्या ही चाहिए, पर प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बाय वन गेट वन की लालच में आके लिए तो लिए। और ये देखो, ये पिलग्रिम का ना टी ट्री वो हाइड्रेशन रेंज में से है इनका, ये फेस वॉश है और ये टी ट्री वाला है, वैसे मैंने दूसरा मंगाया था और इन्होंने ये भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मंगाया है, नेक्स्ट बॉक्स में आया, ये दो बॉक्स में आया अलग अलग, पता नहीं क्यों एक में ही भेज देते दो, सही रहता। उसके बाद ये मंगाया मैंने, इसमें मॉइस्चराइजर है और ये ना मुझे काफ़ी ट्राई करना था, इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, ये भी हाइड्रेशन रेंज में से ही है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये सीरम, ये सीरम भी, ये सीरम में ना पहले मॉइस्चराइजर खोल के दिखा देती हूँ मैं, ये लगाने के बाद इसे मैंने सोचा था सनलाइट में लगाऊंगी, पर सनलाइट आजकल, सन तो छुट्टी पे है, तो ये वाली लाइट में, रिंग लाइट में ही कर लेते हैं। और ये काफ़ी थिक सा है, मतलब आपको थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, देखो थोड़ा सा ही लिया मैंने, मतलब आप वो क्वांटिटी काफ़ी कम यूज़ होती है, पर ये छोटा सा है, मैंने एक्सपेक्ट किया था बड़ा मिलेगा पर ये छोटा ही मिला। और बाकी तो रिव्यू, तो फुल रिव्यू तो एक महीना ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा क्या है ये। उसके बाद ये सीरम है, और ये सीरम की ना एक सीरम भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे इनकी एक बात तो अच्छी लगी, ये ना ब्लैक बॉटल में है, मैंने पहले दो तीन सीरम किए हैं डोटन की वगैरह के, उनमें ना वो था क्या कहते हैं वो वाइट बॉटल में थे, तो ये कहते हैं सीरम वाइट बॉटल में नहीं होने चाहिए। और ये भी काफ़ी थिक सा है, इसकी भी एक दो ड्रॉप ही अप्लाई होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, पर इसमें ना फ्रेग्रेंस है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, तो अजीब से लगा, पर स्टार्टिंग में देखते हैं कई बार उड़ जाती है बाद में। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं, चलो मैं अब आपको फेस वॉश भी निकाल के दिखा देती हूँ खोल के, और इसके ऊपर पैकिंग के देखने में तो ये अच्छा खासा ही लग रहा है। और ये देखो, ये इसकी कैप है हटाने, और ये आजकल तो ये फेस वॉश यही वाले चले हुए हैं ब्रश वाले, और इसकी क्वांटिटी पता नहीं कितनी है, 3 ml है शायद, और ये काफ़ी एक डेढ़ महीना तो चले जाएगा वैसे, यूज़ करके देखती हूँ। पहले मैं वो कर रही थी सिंपल वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे दे दिए हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, लाइक